नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी पोस्ट पर सवाल, पाक पर बवाल। जी हां, मध्य प्रदेश के चुनाव में अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को घेरने के लिए जो वीडियो पोस्ट किया वो पाकिस्तान का निकला, जिस पर अब सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी कह रही है कि दिग्विजय सिंह का पाकिस्तान से प्रेम जग जाहिर है, तो कांग्रेस पलटवार कर कह रही है कि बीजेपी के पास मुद्दों की कमी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या दिग्विजय के पोस्ट ने कांग्रेस के सामने नई परेशानी खड़ी की है? और सवाल तो ये भी है कि क्या एमपी के चुनाव में पाकिस्तान का जिक्र प्रदेश की सियासत को और गर्माएगा? आज चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री, दिग्विजय अपने पोस्ट पर घिरे, बीजेपी ने दिग्विजय पर उठाए सवाल, दिग्गी के पोस्ट पर सियासी बवाल। दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट के बाद मध्य प्रदेश के चुनाव में अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। दरअसल दिग्विजय ने जो पोस्ट किया उसमें एक लड़की गरीबी का हाल बता रही है, जिस पर दिग्विजय ने लिखा, इस बच्ची से सुने इस देश में गरीब के हालात जो मोदी और अमित शाह नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन दिग्विजय ने जो वीडियो पोस्ट किया वो पाकिस्तान का था, इस पर बीजेपी ने हमले अब तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सवाल पूछ लिया कि पाकिस्तान के वीडियो को शेयर करके आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं, तो वही दूसरे बीजेपी नेताओं ने भी दिग्विजय पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह जी ऐसा कोई भी अवसर नहीं चूकते जब वो देश को बदनाम करने का मौका न ढूंढे। दिग्विजय सिंह जी झूठे ट्वीट करने के लिए कुख्यात हैं। कभी खरगोन दंगों के मामले में किसी धर्मस्थल का झूठा ट्वीट लगा देते हैं, कभी किसी दूसरे देश की सड़क को, खंडित सड़क को मध्य प्रदेश का बता देते हैं। अब हद कर दी, पाकिस्तान की किसी लड़की का वीडियो है जहां पर पाकिस्तान की दुर्दशा का रोना हो रही है और दिग्विजय सिंह जी उसको भारत के रूप में चित्रित कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस पार्टी को शर्म आना चाहिए। मामला बढ़ा तो कांग्रेस बचाव में आई। अब कांग्रेस कह रही है कि वीडियो में बच्ची जो बता रही है कुछ वैसे ही हालात देश में है और बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए बार बार पाकिस्तान का मुद्दा उठाने लगती है। शिवराज जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं बचे और उन मुद्दों के नहीं होने की वजह से ही इस तरह के आरोप अनर्गल जो लगा रहे हैं वो शिवराज जी निरंतर लगाते जा रहे हैं। आज पाकिस्तान की एंट्री ना हो ऐसा बीजेपी कैसे बर्दाश्त कर सकती है इस चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी तो शायद पाकिस्तान के आधार पर या धर्म के आधार पर चुनाव लड़ना चाहती है। दिग्विजय सिंह जी इस पे आरोप लगाने से पहले, आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबा में झांकें। ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी कांग्रेस नेता दिग्विजय खरगोन दंगे के विषय में एक ट्वीट करके घिर चुके हैं, जो जांच में बाद में पाकिस्तान का ही निकला। कुल मिलाकर जनता के मुद्दे गायब होते जा रहे हैं और पाकिस्तान जैसे फिजूल मुद्दों पर मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा रही है। हालांकि अब चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री का कितना असर पड़ेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और अशोक शुक्ला जी जुड़ गए। बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो सबसे पहले शर्मा जी, आप ही के पास पहला मौका नहीं है, लेकिन जब चुनाव पीक पर चल रहा हो कि मध्य प्रदेश हम देख रहे हैं कि अमित शाह हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, कमलनाथ भी प्रचार कर रहे हैं, शिवराज भी कर रहे हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन जिक्र आता है और चर्चा होती है, ट्वीट होता है एक्स पर, वो पाकिस्तान का, जिसमें एक दुर्दशा की कहानी एक बच्ची कह रही है और उसको बिना फैक्ट चेक किए वो अपने एक्स हैंडल पर डाल देते हैं और जिसके बाद बीजेपी को एक बार फिर मौका मिल जाता है। और पहले नहीं, हमने खरगोन दंगे देखे या उसके पहले हम चलें तो नरेला विधानसभा क्षेत्र में जो ब्रिज बन रहा था, एक ट्वीट उन्होंने कर दिया था कि ये देखिए पुल कैसा बनाया जा रहा है, और बाद में पाकिस्तान का ही निकला था। तो अगर आम आदमी हड़बड़ी गड़बड़ी करता तो कहा जाता है ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र है या बीजेपी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र है, लेकिन अगर कोई सीनियर नेता इस लेवल पर अगर कोई ट्वीट कर रहा है तो थोड़ा सा एक फैक्ट चेक कर लिया जाए, क्योंकि उनके साथ ये हड़बड़ी भी नहीं है कि चैनलों जैसा उनके पास कोई गला काट स्पर्धा हो कि भाई अगर उन्होंने ब्रेकिंग में थोड़ी देर कर दी तो जवाब सवाल हो जाएंगे। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही शर्मा जी। नहीं, मुझे लगा कोई और साथी बोलने लग गए इसलिए मैं। नहीं, आप ही बोल रहे हैं जी।
वास्तव में क्या है कि दिग्विजय सिंह जी के दिमाग में एक बात छाई हुई है कि किस प्रकार से राजनीतिक वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए और उसका वो सीधा सीधा बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं। दूसरा उनके दिमाग में ये रहता है कि वो चर्चा में रहे क्योंकि कमलनाथ जी को अकेले श्रेय नहीं दिया जाना चाहिए, यदि जीत भी होगी तब भी और हार भी होगी तब भी। तीसरा मेरा आकलन ये है कि दिग्विजय सिंह जी जिस तरीके की पॉलिटिक्स करते हैं वो भाजपा के लिए मुफीद है, इसलिए वो पाकिस्तान को, तो अब कौन कहेगा कि पाकिस्तान को भाजपा लेकर के आई है, पाकिस्तान को तो दिग्विजय सिंह जी लेकर आए हैं। तो ऐसे ऐसे में खरगोन का दंगा हो जो उस मामले के अंदर, वहां रवि जोशी कह रहे हैं हम इसकी जांच कराएंगे, अधिकारियों की जांच कराएंगे, दंगा जांच नहीं कराएंगे। और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह जी जो है वर्तमान परिस्थितियां पैदा कर रही है, जो हम लोग अभी कह रहे हैं कि ट्वीट करके और जो है आप कुछ और दूसरे मुद्दे देते हैं। अच्छा, ये उनके स्वभाव है कि वो मुस्लिम मामलों को लेकर के और ऐसा वातावरण बनाते हैं कि प्रतिक्रिया स्वरूप जो है वो भाजपा को लाभ हो जाए। तो ये उनकी राजनीति क्यों है अभी तक, तो मेरे ख्याल से इस पर एक बड़ा कोई ग्रंथ शोध लिखा जाएगा। और जहां तक प्रश्न इस चीज का है कि मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में दिग्विजय सिंह जी की भूमिका क्या है, तो ये तो हम सब जानते हैं कि कमलनाथ जी खुद ही कह रहे हैं इनके कपड़े फाड़ो, इनके बेटे के कपड़े फाड़ो। इसका मतलब ये हो गया कि कमलनाथ जी की समझ में ये आ रहा है कि दिग्विजय सिंह जी ऐसा वातावरण निर्मित करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें नुकसान हो। ये आपको याद है, मुझे भी याद है कि जब सरकार गिरने जैसी स्थिति आई थी तब भी वो बेंगलोर में जाकर कि किस तरह का उन्होंने प्रदर्शन किया था, काम किया था। तो उससे कोई यूनिटी बनेगी? बागी होकर के जा रहे हैं, उनको मना के लाना था या उनके विरुद्ध प्रदर्शन करने गए थे? ये सारी चीजें मिलाकर के यदि हम मध्य प्रदेश चुनाव के संदर्भ में देखें तो हमें ये साफ समझ में आ रहा है कि दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस सारे उसी खेल का एक हिस्सा है वो बार बार। अब चुनाव के अंदर बचा कितना समय है, आज 4 तारीख हो गई है, 10-12 दिन चुनाव के मतदान के बचे हैं। 10-12 दिन में तो ऐसा अपने फेवर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, प्रतिद्वंद्वी दल को लाभ देने वाला कोई काम करता है बड़ा नेता, ये मैंने तो आज तक के इतिहास में नहीं देखा। लेकिन अब दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं, वो दिग्विजय सिंह जी है, उनको कुछ कोई क्या कह सकता है। तो शुक्ला जी, दिग्विजय सिंह है, दिग्विजय सिंह को कोई क्या कह सकता है, लेकिन दिग्विजय सिंह तो बहुत कुछ कह देते हैं जो पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन जाता है। और ऐसे समय में जब आईटी को लेकर जो मल्लिकार्जुन खड़गे निशाना साध रहे हैं, कमलनाथ हार्ड कोर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, मंदिर पर सियासी घमासान मचा है कि मंदिर बीजेपी का नहीं देश के तमाम हिंदुओं का है, और इस पूरी चर्चा के बीच में दिग्विजय सिंह एक नया शगुफा ले आते हैं जिससे पूरी बातचीत पूरी धारा का मोड़ बदल जाता है। शुक्ला जी आवाज आ रही है आपको? जी, मैंने ये कहा कि ये हड़बड़ी में गड़बड़ी का मामला है। दिग्विजय सिंह को जो वीडियो उन्होंने अपने एक्स ट्विटर पे डाला है वो एक्चुअल में वो मध्य प्रदेश के उस हालात को दिखा रहे हैं जहाँ पे भुखमरी के स्थिति है या गरीबी है, महंगाई है, लेकिन उनसे चूक ये हो गई कि ये वीडियो जो है ये पाकिस्तान का है। और इस तरह की गलती वो पहले भी कर चुके हैं, जैसा कि आपने इंट्रो में बताया आपने कि किस तरह से खरगोन में वो कभी एक वीडियो उन्होंने वायरल किया था, बाद में पाकिस्तान का निकला था। तो मैं आपको बता दूं कि दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े भाग्यशाली साथी थे। आपको ध्यान होगा कि 92 में पटवा सरकार जाने के बाद में कई वर्षों तक जो है बीजेपी मध्य प्रदेश में संघर्ष करती रही, लेकिन उसे सत्ता नहीं मिली। सत्ता उसे तब मिली जब दिग्विजय सिंह का वो जो 5 वर्ष का कार्यकाल था जिसमें सड़क, नाली, पानी, बिजली, तमाम तरह की दिक्कतें मध्य प्रदेश में थी, और एंटी इनकम्बेंसी इतनी जबरदस्ती थी राजा के खिलाफ कि उमा भारती को इतना ह्यूज मेजोरिटी मिली थी कि उसका रिकॉर्ड कभी दोबारा जो है बीजेपी नहीं बना पाई। 73 सीटें मिली थी, बिल्कुल। दिग्विजय सिंह जो है हड़बड़ी में गड़बड़ी करते हैं और वो कई बार जो है मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए जो है हाफिज सईद जैसे कोई की भी लगाते हैं। तो कई चीजें ऐसी हैं उनकी, दिग्विजय सिंह की, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है फायदेमंद साबित होती है। और मुझे लगता है कि अभी चुनावी जो ये महीना है जिसमें अभी 15 दिन बाद जो है, 15 दिन भी क्यों कहें, 17 तारीख को तो वोटिंग होने या 4 तारीख होगी, 13 दिन के बाद में वोटिंग होगी, और उस समय उनसे जो हड़बड़ी में गड़बड़ी हुई निश्चित तौर पर उसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये है कि दिग्विजय सिंह हो, मणिशंकर अय्यर हो या बाकी और भी ऐसे मनीष तिवारी हो, ये लोग बीच में जब तक ऐसे जो है बयान देते रहते हैं जिसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और जाहिर है कि मुस्लिम तुष्टिकरण को लेकर कांग्रेस पहले से बदनाम रही है, और जब पाकिस्तान का कोई वीडियो वायरल होता है
तो स्वाभाविक है कि बीजेपी हमलावर होगी और बीजेपी अभी भी हमलावर है। बिल्कुल। तो शर्मा जी, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तमाम सारे यूट्यूबर हैं, धूम मचाए हुए हैं सोशल मीडिया में, इन्फ्लुएंसर हैं कई सारी एजेंसी हैं पीआर की, कई सारी एड एजेंसियां हैं जो इस प्रकार के वीडियो चुनावी मौसम में बनाती हैं, तो अगर आपको सरकार को घेरना ही था तो उनमें से किसी एक को हायर करके बनवा लेते, या किसी अपने कार्यकर्ता के किसी बच्चे से करवा लेते क्षेत्र में, जिसमें आपको एस्टेब्लिश करने को भी मिलता कि ये देखिए इस जिले के फलाने गाँव का है, ये आदमी का नाम फला फला है। तो आप अगर सरकार को घेरने का भी काम कर रहे हैं तो उधार के वीडियो से, वो भी पड़ोसी देश के वीडियो से, और वो भी तब जब हम देखते हैं कि कई सारा है जो हंगर इंडेक्स आता है तो जो पाकिस्तान के हाल हैं उसकी तुलना हिंदुस्तान से की जाती है, और बताया जाता है कि हमसे बेहतर स्थिति में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। एक चीज है मनोज जी, आज हम सर्वे देख रहे हैं मध्य प्रदेश के जी, आपने पिछले एक महीने के सर्वे के अलग अलग आंकड़े निकाल करके देख लीजिए। एक सर्वे आता है किसको आगे बता देता है, दूसरा सर्वे आता है किसको आगे बता देता है। तो इससे स्पष्ट है कि ये एक एजेंसियां हैं जो अपने व्यापार व्यवसाय के लिए काम कर रही है। इससे केवल ये संदेश मिलता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या संस्था हो, वो अपने बारे में एक मूल्यांकन कर लेती है कि ये गड़बड़ियां दिख रही हैं इस सर्वे के आधार पर। ठीक इसी प्रकार के जो सर्वे हंगर इंडेक्स के हैं या अदर जो हैं वो आते हैं, तो केवल उसका जो प्रचार किया जाता है वो अपने हिसाब से जितना मुफीद लगता है उतना प्रचार किया जाता है। वो उसका यदि हम सांख्यिकी को ढंग से देखेंगे तो वो बातें होंगी नहीं जो आज के तारीख में सोशल मीडिया पर या मीडिया के सोशल मीडिया के कारण नेता लोग बता रहे हैं वो। तो ऐसी स्थिति में ये जो तथ्य जारी किए जाते हैं ये सारे के सारे मैनिपुलेटेड रहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि शिवराज जी एक बार विदेश गए थे, उन्होंने ये कहा कि हमारी यहाँ की सड़कें जो है इनकी सड़कों से, वाशिंगटन की सड़कों से अच्छी हैं। तो वाशिंगटन की सड़कें शिवराज जी गए थे हवाई अड्डे से होटल तक। अब जो हवाई अड्डे से होटल तक की जो सड़क है उसका मूल्यांकन मध्य प्रदेश के किसी भी हवाई अड्डे से होटल तक के लिए करना चाहिए, लेकिन हम ग्रामीण सड़कों का उसका मूल्यांकन करने लग जाते हैं। तो ये जो अंतर है सोच का कि हमने किस बात के संदर्भ में कहा है और उसके परिप्रेक्ष्य में यदि हमें तुलना करना है तो किस क्षेत्र की करना पड़ेगी। आज यदि आप मान लो मध्य प्रदेश के पहलवानों की चर्चा करेंगे और ये कहेंगे कि मध्य प्रदेश का पहलवान तो बहुत अच्छा है, इसका मतलब क्या होता है, काय का पहलवान लाओगे आप, उसके उसको आप प्रतिद्वंदी के रूप में समान जो है दृष्टिकोण का मानिए, 60 किलो वाला है बस बोला था कि 80 किलो वाला बोला था या जो भी एक्स वाई जेड, तो रोमन है, ग्रीको है, फ्री स्टाइल है, उसमें भी कई सारी कैटेगरी है, तो उसके हिसाब से किया जाता है। यहाँ क्या हो रहा है कि एक बिंदु उठाया जाता है और उसको किसी के साथ जोड़ करके कह दिया जाता है। अनेकों बार हम लोग ये कहते हैं कि ये कहते नहीं नहीं सरकारों ने चाहे कांग्रेस की हो भाजपा की हो, मैं किसी एक सरकार की उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, ये कहा जाता है कि कोई काम नहीं हुआ। अरे भाई जो सुन रहा है उसको समझ में आ रहा है कि उसके घर के बाहर काम हुआ है या उसके मोहल्ले में काम हुआ है या उसके गाँव में काम हुआ है या उसके आस पास के जिले में काम हुआ है, ये सब दिखाई देता है। तो ये जो झूठ बोलने की प्रवृत्ति हो गई और झूठे तथ्यों को प्रसारित करने की प्रवृत्ति हो गई, ये प्रवृत्ति राजनीति के लिए घातक है। आज मैं एक कॉलम लिखते हुए मैंने ये विचार किया था कि दो नाम आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, जय बीरू, दूसरा नाम आ गया कि श्याम और छेनू, तो ये क्या है भाई, ये दोनों के दोनों अपराधी हैं। तो आज राजनीति में उपमाएं क्या अपराधियों की दी जाएंगी, क्या राजनीति में ये झूठे झूठे तथ्य देकर के, लेकिन जो एडीआर की रिपोर्ट है कि जितने आपराधिक मामले उसमें तो उपमा भी नहीं देना चाहिए। हाँ उपमा की क्या जरूरत है, सब है ही ओरिजिनल है ही। तो ये जो परिस्थितियां हैं मनोज जी, ये हमें नुकसान पहुंचा रही हैं आज की परिस्थितियों में कि हम जनता के बीच में सत्य नहीं ले जा पा रहे, जनता के बीच में आप राजनीतिक, लेकिन जिनको ले जाना चाहिए, जिनके पास मुद्दे होना चाहिए, जब वो ये सब कर रहे हैं तो जनता क्या करे। शर्मा जी चीजें क्लियर करिए, उनको बताइए, क्योंकि आज तो परिस्थितियां बदल रही है ना सारी की सारी, जो केस डेवलपमेंट है आज, आप ला करके इस तरह की बातें करें, झूठ फैलाए, उसका खंडन होगा, आपकी पार्टी को नुकसान होगा, तो कमलनाथ जी को नुकसान होगा, वो तो शेरवानी सिलवा के बैठे हुए हैं ना, उनके बेटे ने तो तारीख ही घोषित कर दी, मतदान की क्या जरूरत है, जब उनके बेटे ने तारीख कर दी, इसके बड़े आदमी के द्वारा तारीख घोषित कर दी गई तो मध्य प्रदेश के मतदान तो काल ही दे रहे थे। तो शुक्ला जी, कांग्रेस प्रवक्ता को भी आपने सुना होगा, वो कह रहे थे कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है, तो मुद्दे तो विपक्ष के पास होना चाहिए। और तमाम सारे प्लेटफार्म पे जब बात करो तो व्यापम की बात होती है, सिंहस्थ की बात होती है, वृक्षारोपण घोटाले की बात होती है,
और बेरोजगारी की बात होती है, महंगाई की बात होती है, जब 50 रुपये किलो प्याज बिक रही है, 80 रुपये तक चली गई थी, टमाटर अभी एक महीना पहले 200 रुपये किलो था, तेल के दाम बढ़े हैं, अरहर की दाल जो तूर दाल है हमारे यहाँ होती है मध्य प्रदेश में, उसके दाम 170 रुपये हो गए, और तब दिग्विजय सिंह एक पाकिस्तानी ट्वीट का सहारा ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ना कि मुद्दे के अभाव किसके पास है, कांग्रेस के पास या बीजेपी के पास, या उनके पास कोई ऐसा वो मैनेजमेंट नहीं जो बता सके कि भैया किन मुद्दों की बात करना है, क्योंकि एक दशक मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो और 4 दशक से राजनीति में। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही शुक्ला जी। देखिए, जो आप मुद्दों की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये पूरा चुनाव अगर आप देखें तो इसी तरह की वाहियात बातों से भरा हुआ चुनाव है कि श्याम और छिम की चर्चा हो रही है, कहीं जयवीर की चर्चा हो रही है। तो दरअसल क्या है कि जैसे अब महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार महंगाई कम करेगी, क्योंकि यदि चीजें सस्ती होंगी तो आम आदमी महंगा हो जाएगा और तब आप उसे 1 रुपए किलो गेहूं और 2 रुपए किलो चावल देके नहीं पाए। यही स्थिति करप्शन की भी, राजनीति का एकमात्र आकर्षण अगर देखा जाए तो करप्शन ही, तो कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि साहब करप्शन की बात करें, न कमलनाथ करेंगे कि ये बीजेपी शिवराज जी कहते हैं कि मतलब पंच जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, और बेहतर तो ये होता कि कमलनाथ इसका जवाब दे दे कि किस तरह से मध्य प्रदेश में जो है नियम कायदों के पालन में रिश्वत लग रही है। तो कुल मिला के ये चुनाव जो पूरा चुनाव आप देखिए तो ये वाहियात विषय जो है उन्हीं को जो है पब्लिक डोमेन में लाया जाता है, उन्हीं पे चर्चा होती है और पब्लिक का भी मनोरंजन हो रहा है, पब्लिक मजे ले रही है। बड़ी विचित्र स्थिति है हमारे देश की, मुद्दों से इतर आप जो है वाहियात बातों पे चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उसका विकास का मुद्दा है, वो किस तरह से मध्य प्रदेश को डेवलप करना चाहती है, कैसे डबल इंजन की सरकार के चलते जो है वो किसानों की आय दोगुनी कर देगी, किस तरह से वो बेरोजगारी खत्म कर देगी। लेकिन जो प्रमुख विपक्षी दल है हमारे मध्य प्रदेश का, जिसमें जो कांग्रेस है, कांग्रेस को जिन मुद्दों पे तो बीजेपी को घेरना चाहिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस इस तरह से नहीं घेर पा रही है, और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है कि जो बीजेपी नैरेटिव सेट करती है, बीजेपी बार बार ये कह रही है कि तो तुष्टीकरण की बात करने वाले लोग ये तुष्टीकरण के आधार पर करते, और अब जब ये इस तरह का वीडियो कोई आता है तो लगता है कि ले लेकर इनके पास में एक ही एजेंडा है, उसी को लेकर उसी का वीडियो लाएंगे, उसी की चर्चा करेंगे, उसी की बात करेंगे। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो वर्तमान चुनाव है वो मुद्दों से इतर वाहियात की बातों में जो है उलझा हुआ है, और धन्य हमारे देश की जनता वो दोनों का चरित्र भी देख रही है और उनके तरीके चुनाव लड़ने के तरीके को भी देख रही है, लेकिन उसके बाद में कोई तीसरा विकल्प नहीं है। तो विकल्प के अभाव में, बेहतर विकल्प के अभाव में हम या तो उसको चुनना पसंद करते हैं जो कम बुरा है, या फिर हमारे सामने ये लगता है कि चलो भाई ठीक है यही चीज है, शिवराज का चेहरा ज्यादा बेहतर है कमलनाथ की तुलना में, शिवराज जी को ही चुन लिया जाए। कुल मिला के यही बड़ी विचित्र स्थिति में फंसा हुआ है, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके पास में उस तरह के मुद्दे नहीं है जो जनता की बात कर रहे हैं कि जनता के हित में वो कोई कदम उठाने जा रहे हैं उसको लेकर वो जनता के बीच, या तो खैराती योजनाएं, उस खैराती योजनाओं में दोनों दल जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, कोई कहता मैं 1200 रुपए दे दूंगा तो दूसरा कहता मैं 1500 दे दूंगा। ये स्थिति बड़ी विचित्र स्थिति है, लोकतंत्र के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, और मतदाताओं को भी सोचना पड़ेगा कि हम इस तरह के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने वालों को हम बर्दाश्त करें या इनका कोई हम बेहतर विकल्प तलाशें, ताकि दो पार्टियां और हैं लेकिन वो भी मुद्दा विहीन है। हालांकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है वो स्कूलों को अच्छा कर देगी, स्वास्थ्य सेवाएं जो है बेहतर कर देगी, लेकिन अभी उसकी बुनियाद यहाँ पर इतनी मजबूत नहीं है, इतना तो उसकी बातों पर कोई ध्यान दे रहा है। और ईडी वगैरह के मामले में जिस तरह से आम आदमी पार्टी फंसी हुई है, तो जब कुछ कहती है तो बीजेपी उस पर हमलावर हो जाती है, कह रही है तो वो भ्रष्टाचारी है जिन्होंने शराब घोटाला किया है। तो बड़ी विचित्र स्थिति है मध्य प्रदेश की। लेकिन जो आपने कहा उसके लिए आपको नहीं लगता कि काफी हद तक वोटर भी जिम्मेदार है, क्योंकि अगर अब बात होती है कि दिल्ली में क्या मुफ्त पानी बिजली देंगे तो वोटर यकीन करके 3-3 बार सरकार बनवा देता है, फिर ये फार्मूला पंजाब में देखते हैं, फिर हिमाचल में देखते हैं, फिर राजस्थान पहुंच जाता है, मध्य प्रदेश आ गया, कर्नाटक आ गया है। तो अगर एक जगह वोटर इसको नकार देता शायद तो ये स्थितियां पैदा नहीं होती। ये सवाल मुझसे है? जी जी आप ही से शुक्ला जी। जी
देखिए, मैं जब हम महंगाई के शिकार होते हैं तो हमारे लिए खैराती योजनाएं जो होती हैं वो, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, जब ये हम महंगाई का शिकार होते हैं, जब हमारी आय से ज्यादा जो है महंगाई होती है और हम उसका सामना कर रहे होते हैं, तो ये खैराती योजनाएं हमारे लिए बड़े फायदेमंद साबित होती हैं। और आप ये देखिए कि एंटी रामा राव ने शुरू किया था दक्षिण में ये, और उसके बाद से ये चलन बढ़ता चला गया और आज पूरे देश में हालात ये हैं कि हर दल जो है वो वोटों की फसल काटने के लिए खैराती योजनाओं की जो है बढ़ चढ़ कर घोषणा करता है। अब आप कह रहे हैं कि जनता इसको नकार दे, जनता नकारे तो जाए कहाँ पे, जनता की इतनी इनकम नहीं है, जनता के पास में रोजगार नहीं है, जिस तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमारे देश के भीतर है उस तरह से अब आप ये समझिए कि किस तरह से जूझ रहे हैं लोग जो है बुनियादी सुविधाओं के आदमी जूझता है, उसके बाद बिजली नहीं है, उसके बाद पानी की सुविधा नहीं है, आवास की सुविधा नहीं है, तो ऐसे में जो भारतीय जो गरीब तबका है, जो गरीब जिसकी आबादी लगभग जो है 70% से ज्यादा है, उसके लिए तो खैराती योजना ही किसी संजीवनी से कम नहीं है। और ये बात जो है ये राजनीतिक दल भी समझते हैं। शर्मा जी, 75 साल बाद आजादी की अगर ये सब बुनियादी सुविधा नहीं है और आपको खैरात बांटना पड़ रही है, तब भी सवाल राजनीतिक दलों से पूछे जाना चाहिए कि जो आप वादे कर रहे हैं पूरे कैसे करेंगे, और बजाय उनके मुद्दों की बात करने की, आप जब बाहर रहते हैं तो तमाम मुद्दों की बात करते हैं, जैसे सत्ता में आते हैं तो दूसरी चीज़ों पर आप डाइवर्ट करने लग जाते हो, छेनू शाम आ जाते हैं, शाम आ जाते हैं, जे वीरू आ जाते हैं, पाकिस्तान का वीडियो आ जाता है, तमाम सारी चीज़ें दीगर चीज़ें आ जाती हैं। लगता है शर्मा जी संपर्क टूट गया। शुक्ला जी, आप ही इसका एक संक्षिप्त में जवाब। जी मैंने कहा आप ही से एक संक्षिप्त सा जवाब। जी जी जी, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है और समय की भी कमी है। बहरहाल इस चर्चा को विराम देते हैं। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, शर्मा जी आपका भी। तो निश्चित तौर पर जब एक आम आदमी कोई गलती करता है तो आईटी एक्ट में उसको बंद कर दिया जाता है, तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप में घिर जाता है, कानूनी कार्रवाइयों का मुकदमे का सामना करना पड़ता है। लेकिन तमाम सारे बड़े नेता हम देख रहे हैं कि हड़बड़ी में ऐसे ऐसे पोस्ट कर देते हैं, बाद में या तो उनको माफ़ी मांगना पड़ती है या उसको हटाना पड़ता है। लेकिन ये ऐसे मुद्दे होते हैं कि जनता के मुद्दों से ध्यान हटाते हुए पूरे चुनाव की दिशा दशा मोड़ देते हैं। तो क्या दिग्विजय सिंह ने वही गलती कर दी है या जानबूझकर एक्स जो हैंडलर है उन्होंने ये ट्वीट किया है, इसका जवाब तो वही बेहतर दे सकते हैं। लेकिन जब तमाम सारे मुद्दे सिरवाएं खड़े हैं, चुनाव आसपास है, तो ऐसे में ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर किसी भी राजनीतिक दल को कोई भी टिप्पणी करने के पहले 10 बार सोचना चाहिए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।